वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रिया। गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल का नाम है रियाज लाइफ और मैं हूँ रिया। तो आज हम लोग जाने वाले हैं चेन्नई के मरीना बीच पे, और बीच तो खुल गए हैं अभी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं बहुत महीनों के बाद बीच में जा रही हूँ। तो लेट्स गो मरीना बीच। तो यहाँ हम लोग पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हैं और यहाँ का नज़रिया बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और बहुत अच्छे बिल्डिंग्स है यहाँ पे। तो ये है चेन्नई सेंट्रल और ये बहुत सुंदर है। यहाँ से मरीना बीच 2 किलोमीटर्स है। हम लोग बस पहुँचने वाले ही है और मैं बहुत फन करूँगी वहाँ पे जाके। जो बहुत अच्छा होगा, तो मरीना बीच भी बहुत अच्छा है। और देखिए, मेरे को एक खासियत अच्छा लगा, ये बहुत इन्होंने अच्छा बना के रखा है यहाँ पे ब्लॉक से, बहुत अच्छा लग रहा है ये मेरे को, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। मरीना बीच तो बंद था, तो इसलिए हम लोग और बीच में आ गए। अगर बंद है तो आपको और आगे आना पड़ेगा थोड़ा। तो चलिए चलते, मैं तो खा कर रही हूँ। Thank you.
और एकदम बड़ी वेव आई और मेरी चप्पल भी गई उसके साथ, तो इसलिए अभी हम लोग नई चप्पल ही लेने आए हैं। फाइनली मैंने अपनी चप्पल ले ली है, तो बहुत कंफर्टेबल हो गया है। मरीना बीच से और मुझे बहुत भूख लग रही थी। लंच अभी क्या बनाए ऐसे सोचते ना आप, क्या घर पे कुछ नहीं है तो कड़ी पकोड़ा इज बेस्ट 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 ऑप्शन और मुझे बहुत भूख लगी। अब चलिए जल्दी से बनाते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये रेसिपी, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए चलिए। तो अब हम लोग कड़ी पकौड़ा की रेसिपी चालू करते हैं और सबसे मेन है इंग्रेडिएंट्स, तो मैं बताती हूँ हमें क्या चाहिए। बेसन, दही, ऑनियन और इसको क्या बोलते हैं, करी लीव्स मतलब काजू। काजू कॉमन आइटम है, अगर आपको चाहिए है तो आप ले सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो आप नहीं ले सकते हो। गार्लिक, जिंजर, स्टारफुल, इलायची दो लौंग, ब्लैक पेपर और बड़ी इलायची और इसको क्या तेज पत्ता। उसके बाद नमक तो आप ले ही सकते हो अपने स्वाद अनुसार नमक, क्या दिए थोड़ा गार्निश करने के लिए। और घी, हाँ घी मैं भूल गई, देसी घी, तो मतलब देसी घी आपको चाहिए है। और मसालों में हमें चाहिए है धनिया, हल्दी, मिर्ची और ये थोड़ा जीरा और ये राई और हींग। सबसे पहले हम लोग दही डालेंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बेसन डालेंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको अच्छे से स्टर कर लेंगे। तो हम लोग एक कढ़ाई में घी लेंगे और उसको अच्छे से गर्म होने देना है। और उसमें हमें सारे मसाले डाल देने हैं, जैसे कि इलायची, छोटी इलायची, वो सब, ब्लैक पेपर, तो वो सब हमें डाल देना है इसमें। उसके बाद हमें थोड़ा जिंजर और गार्लिक डालना है। और उसके बाद हमें वो जो ऑनियन और करी लीव्स थे वो डाल लेना है। उसके बाद थोड़ी मिर्ची और थोड़ा सा वो हल्दी और मिर्ची डालने के बाद हम लोग इसमें कड़ी का घोल डालेंगे। जैसे ही आप कड़ी डालते हो आपको कंटिन्यूस मिक्स करना रहता है ताकि कड़ी फटे नहीं। पकौड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए है बेसन, हल्दी, कोरिएंडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची। उसके बाद पानी डाल के हम लोग अच्छी से उसको मिक्स करते रहेंगे और फिर वो बैटर बन जाएगा एक। जैसे ही कढ़ी में उबाल आ जाए हमें पकौड़ी का बैटर डालना है चम्मच लेके। तो ये पकोड़े बन गए हैं और अभी हमें तड़का बनाने के लिए चाहिए है थोड़ा सा, एक छोटी सी भगोनी लेना, घी चाहिए है, उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाल देना, राई डाल देना, उसके बाद जो हमने गार्लिक डाल देना,
थोड़ी सी मिर्ची, दो मिर्ची बहुत लाल कलर वाली, उसका थोड़ा सा जो लाल मिर्ची डालनी है आपको 2 चम्मच। उसके बाद जो करी पकौड़ा है अच्छे से मिला के आपको हिला देना है उसमें, और आपको लाल तरंग दिख जाएगा पूरा करी पकौड़ा में। और ये टेस्ट देता है जिंजर गार्लिक, वो बहुत टेस्ट देता है। और इसको अच्छे से बॉईल होने देना है आपको, मिक्स नहीं करना, थोड़ा सा मिक्स कर लो डालने के बाद, फिर ज़्यादा मिक्स नहीं करना है आपको। और ये हमारा कड़ी पकौड़ा रेडी हो गया इजी टू मेक है ये। फ्रेंड्स हमारा कड़ी पकौड़ा बन गया है, अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं। पहले गरम है बहुत, इसमें यम्मी यम्मी फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। अब अपना कड़ी पकौड़ा एंजॉय करती हूँ चावल के साथ, बहुत यम्मी लगता है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा चावल के साथ ये रेसिपी भी। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे टुगेदर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।